शिव सन कादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान प्रेम आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। महाराजा छत्रसाल जी ने संवत 1740 में पन्ना जी आने पर श्री जी की जिस समर्पण भावना से सेवा की, उसका वर्णन इस नश्वर जिह्वा से संभव नहीं है। वैसी सेवा आज तक इस ब्रह्मांड में ना तो कोई कर सका है और न ही भविष्य में कर सकेगा। उन्होंने धाम धनी प्राणों के नाथ श्री जी साहिब जी की पहचान कर अपना सर्वस्व तन मन धन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। पालकी उठाओ कहारो। मेरे सेवक होकर भी ये कहार धाम धनी की सेवा का लाभ ले रहे हैं और इनका मालिक होकर भी मैं सेवा से वंचित हो रहा हूं, ऐसा अहंकार किस काम का। रुको, कहारो पालकी हम उठाएंगे, आप लोग पीछे जाओ।
प्रगटे पूरण ब्रह्म सकल में, प्रगटे पूरण ब्रह्म सकल में, प्रगटे पूरण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदा ईश्वर श्रेष्ठ और जीव की सब आए करो दीदार, प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि, प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि, प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वदन, महामत इन पर काश दे अखंड किए सब जन, रानी जी। रानी, सेवा में तुम तो मुझसे भी आगे निकलना चाहती हो। मैंने माना कि श्री जी साहेब जी सबके प्राणों के नाथ हैं, आत्मा के प्रियतम हैं, किंतु पति होने के नाते लौकिक रूप से पावड़ा बिछाने का पहला अधिकार मेरा है।
काश मेरी आत्मा ने भी पुरुष का तन धारण किया होता तो आज इस सेवा से मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता था। हे भगवान, क्या दिन देखना पड़ रहा है। एक बुंदेला की पगड़ी एक साधारण महात्मा की चरणों में, और मजली रानी ने तो अपनी चुन्नी का पावड़ा कर बुंदेलों की मान मर्यादा मिट्टी में मिला दी है। हे दामदनी, आइए। लो, जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो रहा है। माना कि प्राणनाथ जी एक चमत्कारी संत हैं, किंतु बुंदेलों की भी तो अपनी एक मान मर्यादा होती है। हाँ भाई, आज तक हम बुंदेलों ने किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, लेकिन छत्रसाल जी ने तो आज एक संत महात्मा के चरणों में अपनी पाग बिछा दी, और रानी ने तो चुंडली बिछाकर हद ही कर दी। लगता है श्री जी की आरती उतारने से पहले उनके स्वरूप की पहचान इन सबको करानी होगी। यहां उपस्थित आदरणीय भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि इस समय आप सबके मन में एक प्रश्न तूफान बन के उमड़ रहा है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में अपनी पगड़ी
और मझली रानी ने अपनी चुनरी क्यों बिछाई, जबकि आप सबकी दृष्टि में श्री प्राणनाथ जी एक मामूली संत, महात्मा या गुरु हैं? किंतु मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। ना तो ये कोई गुरु महात्मा है और ना ही मैं इनका शिष्य हूं, ना ये कोई भगवान है और ना ही मैं उनका भक्त हूं, बल्कि ये अक्षर जगत एवं अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, मेरी आत्मा के प्रियतम हैं, अखंड आनंद के देने वाले हैं। भगवान शिव, चारों संकादिक ऋषि, शेष शाही नारायण, सभी ऋषि मुनि और देवी देवतागण, सृष्टि के प्रारंभ से इनकी खोज में लगे हुए हैं, किंतु इनके विषय में वे एक शब्द भी नहीं जान पाए। इनकी स्पष्ट पहचान देने में वेद भी सर्वथा मौन हो जाते हैं। जिस प्रकार एक दूल्हा दुल्हन को लेने आता है, ठीक उसी प्रकार ये मुझे अपनी आत्म स्वरूपा अंगना जानकर त्रिगुणात्मक कर्म बंधनों से मुक्त करा के निज घर ले जाने आए। और मेरे भाइयों, वे अकेले नहीं आए हैं, बल्कि अपनी अहलादनी शक्ति श्यामा जी और ब्रह्म अंगनाओं सहित पधारे हैं, जो भी इन्हें अक्षरातीत धामधनी न मानकर संत, कवि, भक्त या प्रभु मानता है, उसे निश्चित रूप से श्री जी साहेब जी के स्वरूप की एवं अपने आत्म संबंध की पहचान नहीं है। हे धामधनी, प्राणों के नाथ, परम धाम के समान मैं आपको यहां भी युगल स्वरूप में देखना चाहता हूं, इसलिए आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि श्री बाईजू को भी अपने साथ सिंहासन पर बैठाने की कृपा करें। So
हे धाम धनी, हे प्राण प्रियतम प्राणनाथ, परम धाम में आपका स्वरूप अखंड ऐश्वर्य और दिव्य शोभा श्रृंगार से युक्त है, इसलिए मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं आप दोनों को परम धाम के समान ही वस्त्राभूषणों से श्रृंगार कराऊं। छत्रसाल जी, आज हम आपके प्रेम भावना के आगे विवश हैं, इसलिए आज आपको अपने हृदय की प्रत्येक भावनाओं को पूर्ण करने की छूट है। हे धामधनी, आइए। हे धामधनी, प्राणों के नाथ, मैं आरती के न्योछावर के रूप में मैं आपके चरणों में क्या अर्पित करूं? मेरा तन, मन, जीवन, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। अखंड अपार
देव सन कादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे वाला जी शेष न पावत पारे शेष न पावत पारे जानिक मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमार मेरे वाला जी सो घर आए हमारे सो घर आए हमारे लेकर संग पधारे मेरे वाला जी लेकर संग पधारे लेकर संग पधारे त्रिगुण पास के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वार मेरे वाला जी सो फंदा निर्वारे सो फंदा निर्वारे छत्रसाल गुण गाए मेरे वाला जी छत्रसाल गुण गाए छत्रसाल गुण गाए हे धाम धनी मेरा अपना अब कुछ भी नहीं है मेरा सर्वस्व आपका ही है इसलिए अब आपकी जैसी इच्छा हो मेरे लिए आदेश करें दाता जग गुरु भाए
छत्रसाल जी, मैंने आज तक अनेकों राजा, राणा और बादशाहों को देखा है, किंतु एक ब्रह्म सृष्टि के योग्य रहनी सेवा समर्पण प्रेम आज आपने दिखाई दिया है। आज से मैं आपको धर्म की रक्षा एवं सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपता हूं और साथ ही आज मैं आपको समस्त बुंदेलखंड का महाराजा घोषित करता हूं। किंतु हे धामधनी, राजा तो राजा का पुत्र ही हो सकता है, ना तो मेरे पिता राजा थे और ना ही पितामह, तो मैं कैसे राजा हो सकता हूं? छत्रसाल जी, आज मैंने आपका राज तिलक कर दिया है तो आप आज से राजा हुए। आज से सब लोग आपको राजा के रूप में ही मानेंगे। हे धामधनी, हे प्राणों के नाथ, मैं वैसे भी राजा बनना ही नहीं चाहता हूं। मैं एक सैनिक के रूप में ही देश और धर्म की रक्षा करते हुए विधर्मियों से संघर्ष करना चाहता हूं, क्योंकि राजगद्दी प्राप्त होने के बाद ऐश्वर्य के मद में आकर राजा अपने क्षत्रियोचित कर्म को भूल जाता है। आप चिंता मत करो छत्रसाल, मेरे आशीर्वाद से आप राज्य कार्य करते हुए भी उसमें कभी आसक्त नहीं होंगे। कुंडल शोभा भाई प्रगट भाई पहचान छत्रशाल छत्ता हुआ छिपे सब सुल्तान छिपे सब
महाराज छत्रसाल जू की जय। 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 प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। इस प्रकार छत्रसाल जी ने अपना सर्वस्व श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया और सकुंडल सखी के रूप में जाहिर हुए। श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से महाराज छत्रसाल जी धर्म के रक्षक बने। उनकी शक्ति को देखकर बड़े से बड़े राजा भी उनसे डरने लगे। इसके पश्चात छत्रसाल जी ने अपने महल में और भी कई बार श्री प्राणनाथ जी की पधरावनी की। सुखपाल के एक तरफ महाराज छत्रसाल स्वयं कंधा देते थे और दूसरी तरफ उनकी मंजली रानी कंधा देती थी। श्री जी और भाई जुराज जी को उन्होंने श्री राज श्यामा जी का स्वरूप मानकर हीरे मोती जड़ित वस्त्र आभूषणों से सजाया और तन मन से उनकी सेवा की। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या समाचार है? महाराज, ओरछा, चंदेरी, दतिया और गढ़ा के राजाओं की तरफ से एक पत्र आया है। देवकरण जी। जी महाराज। आप पत्र पढ़िए, हम भी तो सुने कि इन राजाओं के क्या हालचाल हैं। आदरणीय छत्रसाल जी महाराज, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। एक बैरागी को घर पर रखकर उससे तिलक करवा के महाराजा बन गए। ऐसे भी कभी कोई राजा बनता है? ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तक हम चारों राजा मिलकर स्वीकृति नहीं देंगे और आपका राज तिलक नहीं करेंगे, तब तक आप राजा नहीं कहला सकते। जी तो करता है, इन देशद्रोही राजाओं को अभी मिट्टी में मिला दूं। मुगलों की भक्ति करते करते इन राजाओं की बुद्धि पूरी तरह मलिन हो चुकी है। आप चिंता न करें दाऊ, इस पत्र का उचित जवाब दिया जाएगा। देवकरण, इस पत्र के जवाब में हमारी तरफ से उनको पत्र लिखो। जी महाराज।